an organization select 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered in list in the table below. आप देख सकते हैं टेबल है हमारे सामने, मंथली इनकम और व्हीकल्स पर फैमिली 0, 1, 2 अबव 2। अच्छा आप देखिए पहला क्या है हमारे पास, पहला है अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। पहला पार्ट है earning 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 vehicles. देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा हमारी टेबल से कि ऐसी 29 फैमिलीज हैं ऐसी। तो ये हमारे पास हो गया 29 फैमिलीज। अब हमारा यहां से इसका मतलब एन ई वन हमारा आ जाएगा 29। अब देखिए एग्जैक्टली कितनी फैमिलीज हैं हमारे पास, 2400 फैमिलीज हैं। टोटल फैमिली 2400, तो 2400 हमारा हो गया एन एस। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी equals to n e1 upon n s, that will give us 29 upon 2400। ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट है अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। Earning 16,000 or more per month and owning exactly 1 vehicle. तो ये वाले कितने लोग हैं, ये वाले आप टेबल से देखोगे तो देखिए 16,000 और मोर मतलब 16,000 और मोर वाला हम लोग लेंगे तो 579 लोग हैं टोटल, आप देख सकते हो प्लॉटिंग से। तो हमारा ये हो जाएगा 579। तो ये हमारा क्या आ गया एन ई टू। अच्छा एन एस हमारा क्या है 2400। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एन ई टू अपॉन एन एस, दैट विल गिव अस 579 अपॉन 2400। ये हमारा हो गया आंसर। थर्ड पार्ट है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ
and owning no vehicle. तो ऐसे कितने लोग हैं? लेस देन 7000 में 10 लोग हैं ऐसे. तो हमारा एन ई थ्री आ जाएगा 10. एन एस हमें पता ही है 2400 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू एन E3 अपॉन एन एस हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 2400 जीरो जीरो कैंसिल 1 अपॉन 240. ये हमारा आंसर हो जाएगा. सही. फोर्थ पार्ट है हमारा अर्निंग 13,000 टू 16,000 पर मंथ and owning more than two vehicles. Earning 13,000 to 16,000 per month and owning two vehicles. अब देखिए ऐसे कितने लोग हैं, आप देख सकते हो क्लियरली 25 लोग हैं ऐसे. तो एन ई फोर इक्वल्स टू 25, ठीक है. एन एस इक्वल्स टू 2400 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू एन E4 upon NS, that will give us 25 upon 2400. अच्छा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 25 से पूरा चला जाएगा, 25 वन जन और 25 96, तो 1 upon 96, ये हमारी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये आंसर. लास्ट पार्ट है हमारा द नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल. फिफ्थ पार्ट है द नंबर ऑफ फैमिलीज नॉट ओनिंग मोर देन वन व्हीकल. अब इसमें तो देखिए सारे ही आ जाएंगे, सारे इनकम वाले ही आ जाएंगे. तो देखिए कौन कौन आएगा इसमें वन व्हीकल वाले. अब देखिए हम लोग नॉट मोर देन वन व्हीकल है, मतलब जीरो वालों को भी लेना है हम लोगों को. तो एन ई फाइव हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है. ये हमारे आगे जीरो जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जिनके पास एटलीस्ट एक व्हीकल है, तो वो हमारे पास हो जाएंगे 160 प्लस. और कौन कौन है? और हमारे पास 305, ठीक है. इसके बाद हमारे पास आ गया 535. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या कहते हैं 469. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 579. तो ये देखिए टोटल कितने हो जाएंगे. एन ई फाइव हमारे पास आएगा 2062. इसको जब आप टोटल करोगे 2062. अब देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एन ई फाइव अपॉन एन एस. एन एस हम लोगों को पता ही है, तो 20 ये हमारे पास आ जाएगा 2062 अपॉन
2400। ये हमारा हो गया आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो 2 से चला जाएगा 1031 अपॉन 1200। सही सर।